हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट अ फोर्थ चैप्टर ऑफ ईवीएस क्लीन टुगेदर। इन आर स्कूल 2 अक्टूबर वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपिंग वॉज बींग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपिंग। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपिंग। आफ्टर द कैंपिंग एंडेड सुनीता ऑब्जर्व दैट स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। आफ्टर रीचिंग होम सुनीता टोल्ड her mother about it and said that mother I will help you in cleaning a house। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, उस दिन स्कूल में एक सफाई अभियान चला क्लीन इंडिया कैंपिंग का, जिसमें सुनीता ने पार्टिसिपेट किया और देखा कि स्कूल जो है सफाई के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसने जाके अपनी मम्मी को बताया और बोला कि आज से मैं घर की सफाई में भी आपकी हेल्प करूँगी। ये देखिए इस पिक्चर के अंदर पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स मिलके स्कूल साफ कर रहे हैं, तो हमें भी हमारी स्कूल जो है वो साफ रखनी चाहिए। आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। कुछ दिनों बाद सुनीता स्कूल जा रही थी, देखा कि एक कचरे का ढेर लगा हुआ है। शी डिड नॉट लाइक इट और उसको पसंद नहीं आया। इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड। सुनीता सेड दैट वी केप्ट आर स्कूल होम्स एक्सेट्रा क्लीन बट द स्क्रीट वर केप्ट डर्टी। वॉट वॉज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड दिस इज नॉट आवर वर्क, वॉट कैन वी डू अबाउट इट। तो सुनीता ने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि हम स्कूल घर सब साफ रखते हैं पर हम हमारी गली गंदी रखते हैं, तो उसका क्या यूज़ है। तो प्रतीक ने उसको टोका कि ये हमारा काम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट इसी में आपका एक और टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये आपको खुद को रीड आउट करना है।